सीमा का पति बहुत अमीर था, लेकिन एक रोड एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु हो गई। अपने पति की मृत्यु से सीमा बिल्कुल भी दुखी नहीं थी, क्योंकि उसका पति उसके लिए करोड़ों रुपए की जायदाद छोड़कर गया था। सीमा मन ही मन खुश थी, अच्छा हुआ ये कमबख्त मौत के घाट उतर गया, अब मैं आराम से अपनी जिंदगी बिता सकती हूँ। सीमा के दोनों जुड़वा बच्चे थे। वो दोनों बच्चे सिर्फ एक साल के थे, एक लड़का और एक लड़की। उन दोनों बच्चों में एक खासियत थी, सीमा की तरह उन दोनों बच्चों की आंखें भी नीले रंग की थी। सीमा की सहेलियां सीमा से कहती थी, अरे वाह सीमा, तेरे दोनों बच्चों की आंखें भी बिल्कुल तेरी तरह नीले रंग की। वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे सिर्फ एक बेटा चाहिए था, पता नहीं साथ में एक लड़की भी क्यों पैदा हो गई। अब इसकी शादी के लिए मुझे पैसे जमाने होंगे, मैं सिर्फ मौज करना चाहती हूँ यार। कोई बात नहीं, कल आ जाओ शाम को क्लब में, पार्टी करेंगे। सीमा को पार्टी करने का बहुत शौक था। अगले दिन शाम को अपने दोनों बच्चों को गाड़ी की पीछे की सीट पर बिठाकर वो गाड़ी लेकर क्लब चली गई और बच्चों को गाड़ी में रखकर ही क्लब में घुस गई। वहाँ वो पार्टी करने लगी। यहाँ उसकी बेटी गाड़ी से उतरकर रास्ते पर चली गई और कुछ ही देर ऐसे ही रेंगते हुए चलने लगी। देर रात को पार्टी खत्म होने के बाद सीमा अपनी सहेलियों के साथ क्लब से बाहर आई। आज तो मजा आया नहीं? हाँ यार, फुल ऑन मस्ती, ऐसी लाइफ तो मैं हमेशा से चाहती थी, ना कोई फिकर ना कोई झमेला। अपनी सहेली को अलविदा कहकर सीमा गाड़ी में बैठी। उसने पीछे मुड़कर अपने बच्चों को देखा तक नहीं। उसे पता ही नहीं चला कि उसकी बेटी गाड़ी से गायब है। वो गाड़ी चलाकर घर चली गई और आराम से सो गई। कुछ घंटे बाद सुबह हो गई। शहर के दूसरे हिस्से में एक बसी छोटी सी झोपड़ी से मलिका हाथ में झाड़ू लेकर बाहर आई। मलिका शहर साफ करने का काम करती थी। वो रास्ते पर झाड़ू लगाने लगी। अचानक से उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आई। सुबह सुबह कौन रो रहा है यहाँ? आसपास तो कोई नहीं है। कौन है, कौन रो रहा है? मलिका रोने की आवाज़ को फॉलो करते हुए रास्ते के पास एक झाड़ी में गई और देखा वहाँ एक बच्ची बैठकर रो रही है। माँ, माँ। अरे यहाँ इस बच्ची को कौन रख कर गई है? ये बच्ची तो मामा कहकर पुकार रही है। अरे कोई है, ये बच्ची किसकी है? लेकिन पूरा शहर अभी तक सोया हुआ था, पूरा इलाका सुनसान था। मलिका उस बच्ची को देखकर भावुक हो गई। कितनी सुंदर आंखें हैं इस बच्ची की, नीले रंग की, बिल्कुल समंदर जैसी। आजा मेरी बच्ची, मेरी गोद में आजा। मलिका ने रोते हुए बच्ची को गोद में उठा लिया। मलिका की गोद में जाते ही वो बच्ची चुप हो गई और अपने दोनों नन्हे हाथों से मलिका को जकड़ लिया। माँ, माँ पुकार सुनकर मलिका की आंखों में आंसू आ गए। क्या कहा तूने? माँ, माँ, माँ पुकार सुनकर कितना अच्छा लगता है, लेकिन मैं तेरी माँ नहीं हूँ बेटी। चल बेटी, मैं तुझे तेरी माँ के पास पहुँचा दूंगी। मलिका उस बच्ची को लेकर एक चाय की दुकान पर गई। वहाँ कुछ लोग चाय पी रहे थे। साहब, क्या आप इस बच्ची को पहचानते हैं? इसकी माँ को जानते हैं? नहीं नहीं, हम नहीं जानते। ऐसे मलिका ने बहुत से लोगों से उस बच्ची के बारे में पूछा, लेकिन कोई कुछ कह नहीं पाया। वो उस बच्ची को लेकर अपने घर चली गई, लेकिन उसके पति ने गुस्से में कहा, ये किसकी बच्ची है? किसके साथ गलत काम किया है तूने? मेरा विश्वास कीजिए, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। झूठ बोल रही है तू। 5 साल के शादी के बाद भी तू मुझे एक बच्चा नहीं दे पाई और किसी और की बच्ची को गोद में लिए घूम रही है। निकल जा इस घर से, निकल जा। मलिका के पति ने उसे लात मारकर भगा दिया। मलिका उसे लेकर वहाँ से चली गई। आज से तू मेरी बच्ची है बेटी, मैं तुझे पालूंगी, तू चिंता मत कर। उस तरफ सीमा की जब नींद खुली तब उसने देखा सिर्फ उसका बेटा उसके पास है, उसकी बेटी वहाँ से गायब है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो मन ही मन खुश हुई। अच्छा ही है, वैसे भी मुझे एक बेटा ही चाहिए था, अब मुझे बेटी के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं है। सीमा हर रात पार्टी करने लगी। अपनी बेटी के खो जाने की खुशी में सीमा ने अपने घर में ही पार्टी रख दी। उसकी सहेली ने कहा, सीमा तू भी ना मस्त है, बेटी के खो जाने की खुशी मना रही है। लेकिन वो कहते हैं ना, कर्म के हिसाब से फल मिलता है। सभी का विचार इसी धरती पर होने वाला है। दौलत और शोहरत के नशे में सीमा यही भूल गई थी। उसका बेटा भी उसे देखकर सीखने लगा। इस तरफ मलिका उस बच्ची को गोद में लेकर सुबह रास्ते में झाड़ू लगाने लगी और उसके बाद पूरा दिन ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ी होकर रुकी हुई गाड़ियों के मालिक से भीख मांगने लगी। मेरी बेटी को खाना खिलाना है साहब, कुछ दे दो, कुछ दे दो साहब, मेरी बेटी भूखी है साहब। उस नन्ही सी बेटी को देखकर लोग उसे भीख देने लगे। मलिका पैसे जमाने लगी। इस तरह 6-7 साल गुजर गए। मलिका हर रोज काम करती, भीख मांगती और शाम को एक बक्से में पैसे जमाती। उसने उस बच्ची का नाम गुड़िया रखा था। एक दिन गुड़िया ने मलिका से पूछा, माँ इन पैसों से तो हम चिकन पनीर खा सकते हैं, लेकिन आप दाल चावल खाकर पैसे क्यों जमाती हैं? तू आज छोटी है बेटी, तू नहीं समझेगी। मैं नहीं चाहती कि तू बड़ी होकर मेरी तरह गरीब बने, इसीलिए पैसे जमाती हूँ तेरी पढ़ाई के लिए। मेरी प्यारी बेटी, आजा खाना खाते हैं। माँ आप सबसे अच्छी हो, मेरी प्यारी माँ। गुड़िया को पता था कि मलिका उसकी असली माँ नहीं है,
मलिका ने उसे ये बात बता दी थी, लेकिन गुड़िया कभी उसकी असली माँ से मिलना ही नहीं चाहती थी। उसके लिए मलिका ही उसकी असली माँ थी। एक दिन मलिका और गुड़िया ट्रैफिक सिग्नल पर भीख मांग रहे थे। सिग्नल लाल हुई और गाड़ियाँ आकर रुक गई। गुड़िया एक गाड़ी के पास गई और मलिका दूसरी गाड़ी के पास। मैडम मैडम कुछ पैसे दे दो ना, मेरी बेटी को पढ़ाना है, मैडम दे दो ना। उसी गाड़ी के अंदर सीमा बैठी हुई थी। सीमा ने कहा, पैसे नहीं दूंगी, भाग जा भिखारिन। दे दो ना मैडम, मेरी बेटी को डॉक्टर बनाना है। ये कहते हुए मलिका ने गाड़ी पर हाथ रख दिया। सीमा गुस्सा हो गई। गरीब भिखारिन कहीं की, तेरी हिम्मत कैसे हुई इस महंगी गाड़ी पर हाथ रखने की, ये ले। सीमा ने तेजी से गाड़ी चला दिया और वो गाड़ी मलिका के दाहिने पैर के ऊपर से चली गई। आ गुड़िया दौड़ते हुए आई। माँ क्या हुआ, माँ क्या हुआ, पैर में चोट लग गई, चलिए माँ अस्पताल चलिए। मलिका को लेकर गुड़िया अस्पताल गई। डॉक्टर ने कहा पैर बचाने के लिए 1,00,000 रुपए की जरूरत है, लेकिन मलिका ने ऑपरेशन नहीं करवाया। उसने अपनी बेटी के भविष्य के लिए अपने पैर कुर्बान कर दिए। एक माँ अपने बच्चों के लिए यही तो करती है, लेकिन सीमा ऐसी नहीं थी। वो स्वार्थी और अहंकारी थी और उसी से उसका बेटा अरियन वही सब सीखने लगा। समय बीतता गया, अरियन जवान हो गया, गुड़िया भी जवान हो गई। उसकी और मलिका की मेहनत रंग लाई। गुड़िया डॉक्टर बन गई और कुछ ही दिनों में वो अमीर हो गई। उसने अपनी माँ के लिए एक बड़ा सा घर बनाया। मलिका उसी घर में रहने लगी। पूरी जिंदगी मेहनत करने के बाद उसे सुख मिला, लेकिन सीमा के साथ बिल्कुल उल्टा हुआ। एक दिन अरियन ने उसे घर से निकाल दिया। निकल जाइए यहाँ से, अब मैं इन सब का मालिक हूँ, मैं आपको और एक भी पैसा नहीं दूंगा। ये क्या कह रहा है बेटा, मैं तेरी माँ हूँ। माँ, माँ शब्द का मतलब जानती हैं आप? माँ का फर्ज कभी निभाया है? निकल जाइए यहाँ से, मैं आप पर हाथ नहीं उठाना चाहता। सीमा को घर के बाहर धकेलकर अरियन ने दरवाजा बंद कर दिया। सीमा रास्ते पर भटकने लगी। उसे भीख मांगने की और भूखे पेट रहने की आदत नहीं थी। कुछ ही दिनों में वो बीमार पड़ गई। रास्ते के लोग उसे उठाकर अस्पताल ले गए। अस्पताल में गुड़िया आई उसका इलाज करने। इलाज के बाद सीमा ठीक हुई। उसने अपनी आंखें खोली। गुड़िया ने देखा सीमा की आंखें उसी की तरह नीली हैं। सीमा ने भी देखा गुड़िया की आंखें नीली हैं। सीमा समझ गई कि यही उसकी खोई हुई बेटी है। बेटी, तू मेरी बेटी है, मैं तेरी असली माँ हूँ बेटी। हो सकता है कि आपने मुझे जन्म दिया हो, लेकिन मेरी असली माँ मेरे घर पर है, मेरी गरीब माँ, मेरी भोली माँ, आप मेरी कुछ नहीं लगती हैं। गुड़िया ने सीमा को अपनाने से इनकार कर दिया। उसके बाद से सीमा गुड़िया के घर के सामने वाले रास्ते में बैठकर ही जिंदगी भर भीख मांगने लगी और गुड़िया उसे हर रोज भीख देने लगी। समय का चक्का घूम गया। सीमा ने जो बुरे कर्म किए थे उसी का फल उसे आज मिलने लगा और मलिका को उसके अच्छे कर्मों का फल मिला। उसने सुख और शांति से बाकी जीवन बिता दिया।